बात करेंगे व्हाट्सअप के बारे में। व्हाट्सअप तो सभी लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं, सभी लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं। और व्हाट्सअप में एक बड़ी अपडेट हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको क्या क्या अपडेट देखने मिला है, आपको एक नोटिफाई मिल गया होगा, जैसे कि आपको होम स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप की, जैसे कि होम स्क्रीन में आपको व्हाट्सअप में आपको नोटिफाई मिल जाता है प्राइवेसी पॉलिसी नॉट नाउ एग्री, नॉट नाउ एग्री। आप क्या करेंगे, एग्री करेंगे या नॉट नाउ करेंगे? अगर आप नॉट नाउ करेंगे तो 8 फरवरी से अंदर अंदर आपको व्हाट्सअप आपका डिलीट हो जाएगा, स्वाहा मतलब आप व्हाट्सअप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको एग्री करेंगे तो क्या होगा और नॉट नाउ करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। चलिए इस टॉपिक पर। व्हाट्सएप में एक नोटिफाई आ रहा है जैसे कि एग्री और नॉट आपको प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी में आपको ये लिखा गया है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर आप नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको 8 फरवरी से बाद आपको व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लाइफ टाइम में व्हाट्सएप चला नहीं पाएंगे, मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है उसको डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका कोई काम का नहीं। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि अगर आप एग्री पर क्लिक करेंगे, जैसे कि अगर आप वहाँ पे देखिए एग्री का बटन है, एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए जो भी आपका डाटा रहता है, जैसे कि आपको पता ही है व्हाट्सएप में पेमेंट सिस्टम लॉन्च हो गया है, लेकिन आपको मिला नहीं होगा, लेकिन काफ़ी यूजरों को मिल चुका है, मुझे भी मिला नहीं, जैसे मुझे आ जाएगा तो आपको मैं बता दूंगा व्हाट्सएप में पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो आपको व्हाट्सएप का पेमेंट सिस्टम है, किसको आप पेमेंट कर रहे हैं, किसको लेन देन कर रहे हैं, और आप व्हाट्सएप में क्या क्या आप यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपको किसको चार्ज करते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, क्या आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं। तो आपको देखिए व्हाट्सएप बिजनेस में तो आपको पता ही है बिजनेस मोल बिजनेस की तरह आपको बातें होता है, तो व्हाट्सएप में आपको किस तरह से आपको शॉपिंग करते हैं, क्या क्या आप बातें करते हैं, क्या क्या शेयरिंग होता है, जो भी आपका प्राइवेसी डाटा है फेसबुक को शेयर करेगी, जो भी आपका फेसबुक है उसमें शेयर करेगी, और जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक सोशल नेटवर्क जितने भी है वो एक फेसबुक का ही और व्हाट्सएप का ही एक ओनर है सब, जैसे कि आपको जो भी प्राइवेसी डाटा वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें फेसबुक को शेयर करेगी। फेसबुक को शेयर करने के बाद आपको देखिए एक ही मालिक है, एक ही बॉस है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ जो भी प्राइवेसी पॉलिसी, आप जो भी एक्टिविटी है, जो भी आप बातें करते हैं, जो भी आप चाटें करते हैं, और जो भी आपको इधर उधर जो भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, इन सारे से आपको कंपनी को क्या फ़ायदा होता है आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ध्यान रखें। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं लैपटॉप मोबाइल कपड़े अंगड़ा बंगड़ा जितने भी आप सर्च करते हैं, सारी चीज़ें शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने में आपको जो भी चीज़ें शॉपिंग करते हैं, लेकिन आप कभी कभी नहीं खरीदते, आप देख कर उसको निकल जाते हैं व्यू करके। ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी फेसबुक की जो होम पेज में आपको दिखाया जाता है जो भी आपने फ्लिपकार्ट में लिया, उसी सामान का आपको व्हाट्सअप की या फेसबुक की आपको ब्राउजर में दिखाई जाएगी, जो होम पेज में आपको दिखाई जाएगी, तो उसमें आपको होम पेज में दिखाई जाएगी ये आपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में देखा था। ठीक है, उसमें आपको डिस्काउंट देकर आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी सजेशन जो आपको ब्राउजर में दिखाने, तो आपको क्या करेंगे, आपको तो लेना ही है उस चीज़ के बारे में। यही चीज़ आपको व्हाट्सअप फेसबुक में आपको दिमाग को क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या खरीदने चाहते हो, क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये चीज़ें मन की जो बातें वो व्हाट्सअप फेसबुक जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को। उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी में यही लिखा है, और एग्री करेंगे तो आपको व्हाट्सअप यूज़ करना होगा। जैसे आप एग्री करेंगे, एग्री करने पर आपको जो भी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है वो सारी नीति को आप फॉलो कर रहे हैं, इसी हिसाब से आपको लिखा गया है, और आप एग्री करेंगे और सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप को पता लगता रहेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्हीं सजेशन के जो भी आपको सामान प्रोडक्ट खरीदना है या कुछ भी आपको दिमाग में चल रहा है सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप में पता लग जाएगी और फेसबुक को पता लग जाएगी, उसी सजेशन हिसाब से आपको ब्राउजर में होम पेज में दिखाया जाएगा। ठीक है, यही बात है, और आप प्राइवेसी आपको डाटा भी लीक होगा, और जो भी आपका व्हाट्सअप की जो भी आपका प्राइवेसी डाटा है वो सारी फेसबुक के साथ शेयर करेगी, साथ मोबाइल नंबर साथ भी आपको शेयर करेगी। इन सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए आपको एग्री करना है, और एग्री करने से पहले आपको यही बातें जो भी मैंने आपको बता दिया आपको ध्यान में रखते हुए